अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। आप हैं जी नानी? सही। इन भाई की? अच्छा। लाहौर से ताल्लुक है इनका। 80 प्लस एज है लेकिन इनको कुछ हो गया है। अब इस उम्र में आके फेस है, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है। सर ये थी नहीं ऐसी जैसी अब हो गई है एकदम। ये माशाल्लाह बहुत ही इनकी जिंदगी गुजरी आजी में, इबादत में, नफीस, अच्छी खातून। सही। बहुत ही। लेकिन अचानक इनको कहने कोई दौरा पड़ता है या क्या होता है ऐसा, जिसके बाद से अब ये लोटे से पानी पीती हैं। लोटे से पानी पीती हैं वॉशरूम के? ना भाई। अब ऐसी गालियां देती हैं ये जो किसी ने सुनी नहीं होंगी आज तक। अच्छा। जो इनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं सुनी होंगी। ये जो मुंह से निकालती है ये वही उठा के खाती है। ये जो खाना बच जाता है और जो हड्डियां आप साइड पे करते हैं ना, हड्डियां फेंकने के लिए, गिराने के लिए, ये वो उठाती है खाने की। ये बहुत अजीब अजीब बात है। ये बहुत ज्यादा। बाकी तो मैं कुछ और सोच रहा था। ये गलाजत पसंद करना शुरू हो गई है एकदम। अच्छा। मतलब फहम करे यार, क्योंकि इस उम्र में तो बुजुर्ग बहुत दीनदार होते हैं यार। थी। हाँ माशाल्लाह से। ये जो हरकत है इनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था इनका। लग भी नहीं रहा, होना भी नहीं चाहिए इस उम्र में। मतलब आप देख रहे ना फैमिली। हाँ वो एजुकेटेड पढ़ी लिखी फैमिली, नवासा ऐसा है। ब्लड लाइन पता चल रही फेस से। और इन्हें पता किया जी तो इनका पैर आ गया है किसी चीज पर। पैर आ गया बकौल जिनको दिखाया है इन्होंने। अच्छा। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा एज हो जाती है और हम वो वर्ड यूज करते हैं ना, सठिया गए हैं, जहन सठिया जाता है आपका। बट ठीक है, आप बच्चों वाली हरकत शुरू कर दें, दोबारा इस एज में आके बच्चे बन जाते हैं आप। लेकिन तमाम नेगेटिव चीजें यार, तमाम चुन चुन के जो नेगेटिव काम है वो आप करना शुरू हो जाए, ये कैसी? हमारे इर्द गिर्द हैं अभी लोग जो वाकई हम कह सकते हैं कुछ सटिया आ गए हैं, लेकिन ऐसी हरकत कोई नहीं कर रहा सर, कोई नहीं कर रहा। क्योंकि अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था गलाजत पसंद, ये तजलील कहते हैं, इंसान की तजलील हो रही है। नॉर्मल इंसान ये नहीं करते। जो मैंने आपको सुनाया था वो चैनल का वाकया, जो ड्राइवर भाई थे जिन देखना है। जी 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 ठीक है जी। मतलब जो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, वो जान बूझ के करते थे। सही। या उनसे करवाया जाता था यार। 80 प्लस एज, अभी भांजे कह रहे हैं भाई हम यकीन नहीं कर रहे कि ये हमारी नानी है। सही। ऐसी और सुर्ख कपड़े जो होते हैं ना, सुर्ख कपड़े बच्चों के, घर वालों के, जिसके भी, उनको पकड़ के ना उनकी कोई पोटलियां बनाती रहती है सुर्ख कलर। सही। सुर्ख अभी भी शायद ही सुर्ख सुर्ख है। हाँ। अच्छा। मैंने कहा अव्वल तो कोई मुझे ना इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा मेडिकली कोई डॉक्टर क्या कहते हैं? एक हमने सुना है जी दिमाग पलट जाता है आपका। सही। हमने दिमाग पलट मतलब उल्टा हो एक उम्र में आगे हो जाता है। बट शिराज भी उल्टा होश नहीं होता, लेकिन मतलब ये कह रहे हैं कि वो अल्फाज जो हमने कभी नहीं सुने, इन्होंने भी नहीं सुने कभी। सही। मतलब एक तो कॉमन होती है ना सर, वो यूनिक किस्म की गाली है। आपने तीन चार चीजें बताई थी ना। एक था मैंने यहाँ पे ईडी सेंटर के पागल होता ना एक दफ़ा विजिट किया था, तो हमने जो इनमें से देखा था तो दो तीन चीज़ें तो चलो कॉमन थी जिनके दिमाग पलटे हुए तो कर रहे थे कि कुछ चीज़ें मट्टी तो अपने सर पे डाल लें जैसे लोटे से पानी। लेकिन कच्ची हड्डियाँ चबाते हुए मैंने नहीं देखा किसी को।
इस एज में कच्ची हड्डियां जो आते थे थूका हुआ भी हमने देखा, वो थूक देते थे हमें, जाल के पास जाने को मना किया था। सुने अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा सज्जाद भाई, मैंने ना उनसे दोबारा कंफर्म किया है क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि उन्होंने किसी डॉक्टर को चेक करवाया कि नहीं, तो मैंने कंफर्म किया है तो उन्होंने मुझे बताया कि ना डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई ऐसा ही इशू नहीं है कि जिसकी हम कोई मेडिसिन दें या कोई ट्रीटमेंट करें, यानी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डायग्नोज नहीं की कि इनको कोई मेडिकल इशू है या कोई कोई दिमागी तौर पे कोई इनका इफेक्ट है ऐसा। तो कह रहे वैसे ये कुछ मसला नहीं है, इनको नॉर्मल है, इनको आप बातचीत करें इनसे, इन्हें कोई बातें याद आए पुरानी, क्योंकि वो ना भूल चुकी हुई हैं काफ़ी हद तक, नाम उन्हें किसी का याद नहीं है, ठीक है। और चले वो तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, इस एज में हो ही जाता है, माशाल्लाह 80+ है वो, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है कि मेमोरी जो है वीक हो जाती है, लेकिन जो कुछ उनकी अजीब हरकतें हैं ना वो थोड़ा सा हमें परेशान किया हुआ उन्होंने, कि जो उनका हड्डियाँ खाने की कोशिश करना, जो चीज़ वो खा रही हैं वो थूक देती हैं और वो थूकी हुई चीज़ उठा के दोबारा खाना, वॉशरूम के लोटे से पानी पीना और गंदगी गलाजत पसंद करती हैं, यानी कि अपना वो, और कपड़े हर वक्त कपड़ों में लगी रहती हैं, बच्चों के कपड़े ले लेंगी, पोटलियाँ सी बनाई हुई हैं कपड़ों की, रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद हैं, तो इस तरह ये कुछ अजीब अजीब सी जो है ना वो चीज़ें हैं, और यानी गालियाँ बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ, लेकिन जो हमारे फैमिली में नहीं कोई देता होगा गालियाँ वो देती हैं, बाज़ वक़्त पुरानी बात बोल देती हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं तीन चार जो ज़रा स्ट्रेंज सी लगी, तो इसलिए मैंने कहा चलिए डिस्कस करता हूँ आपसे। कुछ लोगों में सज्जाद भाई हाल आता है ना गंदी चीज़ों का ना, तो वो एक लफ्ज़ होता है मुकरात से याद पाने में मुश्किल लफ्ज़ है, तो गाली गुस्तारी करते हैं जो मैं जिन पर कोई चीज़ चढ़ती गंदी गलत चीज़ चढ़ती है बहुत, और तुम बहुत गंदी बात करते हैं, नेगेटिव बहुत गंदी बातें करते हैं, मतलब हमने बयान नहीं कर सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते उस चीज़ सब वैसी बातें, वो हरकत की जाती हैं, वो काम किए जाते हैं कि जिस बंदे को गुस्सा नहीं भी आता ना, जिसका बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा है ना, वो भी भड़क जाए, कोशिश ये की जाती है आपको गुस्सा दिलाया जाए, आप लड़े, आप भूल जाए सब, गुस्से में आए आप भी शैतान बन गए, ये सारी बातें चुन चुन के, ये हमारा तजर्बा जी तो ये रहा है कि जो एक साहब थे जो चिल्ला कर रहे थे वो उल्टी मखलूक उन पर हावी हो गई, तब वो ऐसी हरकत करते हैं, कीचड़ में जाना, नंगे पैर जाना, कब्रिस्तान में लेटना, सोना तपी ब्लू में फुटपाथ पे बैठ जाना, अजीब खुद से बातें करना, ये तो हमारे तजर्बे में गुजरा है। नेगेटिव एंटी आप है नहीं और एकदम हो गए, चले आप मेंटल हो गए, मिसाल के तौर पे आप पागल हो गए, लेकिन क्या पागल सिर्फ यही हरकत करेगा जो नेगेटिव? पागल भी गालियां देते हैं, देते हैं। लेकिन वो जो हड्डियां चुनने वाला ना, मैंने खुद सुनी वो ऐसी बातें करते हैं, नस्ल होता ना पैर होता मुसलसल। भाई का कहना है कि खाना जो है ना ये बहुत ज्यादा खाती है और मांगती है। अच्छा एक बात अभी मेरे दिमाग में आ रही है कि एक अजीज थे, मतलब मालूमात चली थी कि उनके साथ कुछ मामलात हुए, तो जब मामलात बिगड़ना शुरू हुए जब मालूमात ली तो पता था उनके मौकिल थे, तो एंड वक्त में जब उनकी मौत से पहले पहले इंतकाल से पहले पहले तो पता चला कि वो उनकी खुराक नहीं दे पा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं इनके पास कुछ चीज़ें हों वो नहीं कर पा रही थी, इन्हीं पे हावी हो गए हैं पॉसिबिलिटी, जिस एज में है जहाँ से चलते आ रहे हैं सिलसिले पीछे से चलते हुए आते हैं, जाहिर अब हो गए, लेकिन बता रहे हैं देखते हैं शो हमारा चीज़ें जानते हैं, इन चक्रों से दूर थी बिल्कुल ना, सही कोई ऐसा एक्टिविटी कोई ऐसा चक्कर नहीं था, अपना कहते हैं बड़ी आजिज खातून जिंदगी गुजारी है, सही एक बुजुर्ग घर के जो होते हैं जिनसे आप दुआएं लेते हैं सब करते हैं, एकदम से जो है ना परेशान है नानी उनकी, इस एज में ज्यादा खाना प्रॉब्लम करता है, बट नो खाना जा रहा है, कहाँ जा रहा है सोच भी नहीं सकते, ऐसे तो बड़ी वीडियोस आई हैं कि एक औरत ने उन्होंने भी डीएसए की हड्डियां खा ली, हड्डियां बच्चा 30 रोटियां खा गया, हमारे सामने बंदा पूरी बोतल पानी की ऐसे पी गया, पानी पी गया, गया कहाँ जा कहाँ रहा है, मुद्दा ये है कि अब करें क्या, देखे कुछ भी है तो नानी सही एज भी ऐसी है, आप ना जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, जो आपकी वालदा ने एक तरीका निकाला है कि हल्का प्यार से
जैसे बच्चे को संभाल, क्योंकि यार हमें ना हुक्म है, फरमान है कि जब तुम्हारे वालदैन बूढ़े हो जाए तो उनको हूं मत करना। सही। इसका मतलब ये है कि इस एज में वालदैन दोबारा ऐसी हरकतें करते हैं जैसे बच्चे करते हैं, पता है कि जी करेंगे ऐसा, वालदैन हूं मतलब इस तरह की हरकतें करेंगे जैसे बच्चों को नहीं कहते, ये भी नहीं करना है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन तौफीक से हो जाता है। सही। तो करते हैं बुजुर्ग, अब जाने अनजाने में इनसे वो गलती अगर हो गई है तो इस एज में तो बच्चों वाली गलती है ना। आपसे खाना मांग रही है, आप दें, आप एहतियात करें, जैसे आपकी वालदा कहती है कि प्यार से समझा दिया जितना भी, और जो कह रही है जैसा कह रही है कर दो। अब कोई लालच तो है नहीं, खिदमत है, अल्लाह पाक देख रहे हैं, बढ़ गई है, बल्कि बढ़ गई है, अल्लाह पाक देख रहे हैं कि चलो जैसा हमने कहा, जो हमारे फरमान है हमारे महबूब का, उस पर कोशिश कर रहे हैं चलने की। करना उन्होंने ही है, करना उन्होंने ही है, लेकिन हमें सुन के इतना हैरानी हो रही है। सोचें जिनके सामने ये होता होगा क्या गुजरती होगी, डर जाते होंगे शराज भाई, बच्चे रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। बात यह है कि बच्चे आते हैं ईद पे किसी से मिलने, नानी से बुजुर्ग से मिलने, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर चले। सबसे पहले तो आप जी खाने का ख्याल रखें, एक मिनट भी देर ना हो, प्यार से इनसे बातचीत करते रहें, हंसी मजाक करते रहें, खेल कूद करते रहें। सेज में बात पहुंच गई है देखने वालों तक, इंशाल्लाह प्यारों तक बात पहुंच गई है इंशाल्लाह। जैसे अभी राबिया की तस्वीर आई है अच्छी, सही, अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ख्याल करे जी, करा करे। लग रही दोबारा उन्हीं बरकतों पर आए ताकि हमें भी सवाब मिले भाई। बहुत नई खातून इस उम्र में तो बुजुर्ग बहुत अपनी नमाज का पाबंदियों और चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो महसूस हुआ जी, महसूस हुआ कि क्या गुजर रही होगी, महसूस हुआ, इतना आपको भी हुआ होगा, बुजुर्ग हैं घरों में, अगर ऐसा कोई करे गुस्सा डांट ठीक है, वो तो वो भी मोहब्बत है, बट लोटा हड्डियाँ ये जो है ना, दिल करता है ये चीजें वो जिसपे इंसान रुक नहीं पाता, चुप नहीं बैठ पाता कि ये गलत कर रहे हैं ना, ये ना करें आप, ठीक है आप डांट लें, हाथ उठा लें, गुस्सा कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे सामने लोटे से पानी पी रही, अच्छा नहीं लग रहा, यो नहीं करना है, ऐसा ना करें, ये रोकता है ना इंसान, हड्डियां आप ना खाएं, आप ये जो आप नेगेटिविटी इससे दूर रहें, फरमान हुक्म ये है, तो बड़ा मुश्किल होगा यार, मुझे महसूस हो रहा है, हिम्मत है आप लोगों की, लेकिन अल्लाह पाक जी आपको तौफीक की नेमत से नवाजे, मजीद हिम्मत की नेमत से नवाजे। इंशाल्लाह बात पहुंच गई है, यकीनन जी जल्द मेरे ख्याल से राबिया जी की तरह बाकियों की तरह इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह करे, ये आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात, अस्सलाम।